कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने मास्क को लेकर एडवर्टाइजरी भी जारी की है। सरकार ने इस एडवर्टाइजरी में कहा है कि लोग घर में तैयार मास्क भी पहन सकते हैं। लॉकडाउन के बीच लोग जरूरतों की खरीदारी करने बाहर निकलते हैं, ऐसे में मास्क पहनने से बड़े पैमाने पर लोगों को संक्रमण से बचाया जा सकता है। जिसके क्रम में रायबरेली के माता मिठुनी देवी जन सेवा संस्थान परसदेपुर के प्रबंधक गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव ने मास्क बनाने के लिए आह्वान किया है, जिसके क्रम में क्षेत्र के लगभग 15 महिलाएं और पुरुषों ने मास्क बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। मास्क निर्माण कर रहे संस्थान के मुख्य कार्यकर्ता रामू कौशल, किशन कौशल, राजकुमारी जोहरीवा, रुचि त्रिपाठी ने बताया कि एक मास्क को बनाने में 5 से 6 मिनट का समय लगता है। मंदिर के प्रबंधक गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि संस्थान द्वारा अब तक करीब 1000 मास्कों का निर्माण किया जा चुका है। इस मास्क को गर्म पानी से धोने के पश्चात पुनः उपयोग में लाया जा सकता है।